माँ चिंतपूर्णी देवी का मंदिर ऊना हिमाचल प्रदेश। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, जिसे छिन्न मस्तिका भी कहा जाता है। छिन्न मस्तिका का अर्थ है एक देवी जो बिना सर के है। कहा जाता है कि यहां पर पार्वती माता के पवित्र पांव गिरे थे। चिंतपूर्णी देवी मंदिर का इतिहास उस समय का है जब देवताओं को पराजित करने के बाद स्वर्ग पर असुरों का राज था। मां चिंतपूर्णी देवी का ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है, जिसे 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कहा जाता है कि युद्ध 100 वर्षों तक चला, जिसमें देवता लोग पराजित हो गए। पराजित होने के बाद सभी देवी देवता धरती पर आकर साधारण मनुष्य की तरह विचरण करने लगे और स्वर्ग पर असुर राज महिषासुर राज करने लगा। कुछ समय बाद असुरों ने सभी देवी देवताओं के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिसके बाद तंग आकर सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और उनसे असुरों से रक्षा करने की विनती करने लगे। तभी भगवान विष्णु ने ब्रह्मा और महेश यानी देवों के देव महादेव को आह्वान किया। तत्पश्चात वे दोनों भी यहां पहुंचे। इस घटना को सुनने के बाद त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, जिसने देखते ही देखते एक देवी का रूप धारण कर लिया। त्रिदेव ने अन्य सभी देवी देवताओं के भांति उस देवी को भी कुछ दिव्य शक्तियां प्रदान की। शक्तियां प्रदान होने के बाद सभी देवी देवतागण मिलकर उस देवी की आराधना करने लगे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर देवी ने कहा कि मैं आप सभी देवी देवताओं की रक्षा अवश्य करूंगी। इतना कहकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए स्वर्ग की ओर निकल पड़ी। स्वर्ग में पहुंचने के बाद देवी ने असुरराज महिषासुर से युद्ध आरंभ कर दिया और अंत में महिषासुर को पराजित करके देवी देवताओं को असुरों के आतंक से बचा लिया। महिषासुर का वध करने के बाद इन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाने लगा। चूंकि महिषासुर मर्दनी ने सभी देवी देवताओं की चिंता को दूर कर दिया था, इसीलिए सभी देवी देवता लोग इन्हें देवी चिंतपूर्णी के नाम से संबोधित कर इनका जय जयकार करने लगे। माता चिंतपूर्णी देवी 51 शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ पर माता पार्वती के चरण गिरे थे, इसलिए यहाँ पर माता चिंतपूर्णी देवी की पूजा चरण के रूप में की जाती है। इस मंदिर के इतिहास से एक और मान्यता जुड़ी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि गरीबी से परेशान होकर एक बार एक पंडित अपने ससुराल जा रहे थे। रास्ते में ही अंधेरा हो जाने के बाद वे एक बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी सपने में एक छोटी बालिका के रूप में माता ने उस पंडित को दर्शन दिए। नींद खुलने के बाद उस पंडित को कुछ भी नहीं दिखा, इसलिए वह सुबह अपने ससुराल की ओर निकल पड़े। ससुराल से लौटते वक्त पंडित ने उसी बरगद के पेड़ के नीचे रात में विश्राम करने का निर्णय लिया। बरगद के पेड़ के पास पहुंचने के बाद पंडित ने ध्यान लगाना शुरू किया। फलस्वरूप माता ने उस पंडित को अपने चतुर्थ रूप में दर्शन दिए और कहा कि मैं इस बरगद के वृक्ष के नीचे वास करूंगी, और साथ में ये भी कहा कि इस बरगद के वृक्ष के पास स्थित पत्थरों के नीचे नीचे एक नदी का जल बहता है। पंडित ने सुबह जब पत्थर हटाया तो वहां पर एक नदी का जल मिला, जिससे आज भी माता चिंतपूर्णी देवी का जलाभिषेक किया जाता है। इसी तरह के ऐतिहासिक स्मारकों से जुड़े किस्से कहानियां आपको मिलेंगे हमारे इसी पेज स्टूडियो धर्मा पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें, फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज स्टूडियो धर्मा को और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।